रखेगा एक्शन और ब्रोकरेज रिपोर्ट भी इन पर नजर देने वाले। लेकिन उससे पहले पूजा ये बताइए कि कौन से और ऐसे शेयर हैं जहां पर खबरों के दम पर आज एक्शन दिख सकता है। फोर्टिस हेल्थ केयर, यहाँ पर खबर खत्म ही नहीं हो रही, लगातार सुर्खियों में है ये कंपनी, जबकि 10 मई को बोर्ड डिसीजन ले चुकी है खरीदार है उसको लेकर, लेकिन उसके बाद भी कंपनियां लगातार इंटरेस्ट दिखा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी सोमवार को ही कि मणिपाल टीपीजी ने इंटरेस्ट दिखाया था, अब खबर आई है कि IHH ने भी अपना जो ऑफर है उसकी तारीख है वो बढ़ा दी, अब 29 मई कर दी है, और इसके चलते ये शेयर आज रहेगा सुर्खियों में। मिंडा कॉर्प, यहाँ पर खबर आई है कि कंपनी ने QIP के जरिए 310 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं, लेकिन मौजूदा शेयर भाव से करीब 3.5% नीचे तय किया था इश्यू प्राइस, उसके चलते ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। इंडिया बुल्स रियल कंपनी की आज बोर्ड की बैठक है और बैठक में शेयर बायबैक पर को लेकर फैसला संभव हो सकता है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। और रिलायंस कम्युनिकेशन, कल हमने देखा था कि इस शेयर में भी काफी शानदार रैली देखने को मिली थी, करीब 56% की तेजी इस स्टॉक में थी, लेकिन कल कंपनी के नतीजे आने थे, बोर्ड की बैठक हुई थी जिसमें कि नतीजों को लेकर यहाँ पर डिसीजन लेना था, लेकिन अब वो जो तारीख है वो बढ़ा दी गई है, 30 मई कर दी गई है, तो सेंटिमेंट के लिहाज से ये एक नेगेटिव खबर हो सकती है रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए। और आखिर में बात करते हैं फंड एक्शन की, फ्यूचर इंटरप्राइजेस कंपनी के प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ा दिया है, 5% स्टेक का खरीदा था करीब 29 रुपए प्रति शेयर के आसपास, तो ये जिसके चलते ये स्टॉक भी आज एक्शन में रहेगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर इंटरप्राइजेस तो इनफैक्ट कलेक्शन में रहा भी था, सबसे पहले जी बिजनेस ने ही इसके एक्शन को पकड़ा था, और जो बड़ी ब्लॉक डील्स हुई थी उसकी डिटेल अब आते हुए, प्रमोटर ने तो स्टेक बढ़ाया है, बेनेट कोलमैन ने भी करीब 4 करोड़ शेयर खरीदे हैं। रजत हमारे साथ मौजूद हैं ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स लेकर, उनसे बातचीत करेंगे, रिपोर्ट्स जानेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स की राय भी लेंगे तमाम स्टॉक्स।